आप सभी उपस्थित सम्मानजनक बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथियों को हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वीर तेजाजी महाराज की जय हो। बहुत बढ़िया। आज के इस कार्यक्रम में मैं जातिवादी बातें कम करके एक न्याय की बात कर रहा हूँ कि विद्या प्रकाश जी जैसे जो अनोखे और सुलझे हुए व्यक्ति थे, पुलिस प्रशासन से सभी आप लोग अच्छे परिचित हैं और सब लोगों का कहीं ना कहीं डगमग रहता है सम्मानजनक रवैया, लेकिन विद्या प्रकाश जी के लिए सभी का सम्मान पूरा बना हुआ है और जिस प्रकार से उन्हें एपीओ किया गया है वो बड़ा निराशाजनक है। राजनीति इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि न्याय साइड में कर दिया जाए। एक अनोखा काम किया, कल मेरे पिताजी से बात हो रही थी, कल नहीं दो दिन पहले, और उसमें हम वैसे ही एक चर्चा कर रहे थे कि विद्या प्रकाश जी ने जिस प्रकार का अनोखा कार्य किया या उनकी टीम ने किया, उन्हें क्या सम्मान मिलना चाहिए। अगले दिन जैसी खबर पड़ी तो डॉक्टर साहब ने कहा देखो ये सम्मान तो अभी मिल गया। तो ये जिस प्रकार का निराशाजनक कदम सरकार ने उठाया है इस पर विचार होना चाहिए। उन्हें तुरंत फील्ड पोस्टिंग दी जानी चाहिए, उनका अलग से सम्मान होना चाहिए, और अगर न्याय की बात नहीं की जाती है तो उसका विरोध, पुरजोर विरोध होना चाहिए। मैं आयोजन समिति को बड़ा धन्यवाद दूंगा, उन्होंने अच्छा आयोजन किया है, आगे भी आपका हम तन मन धन से पूरा सहयोग देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दूंगा। आप सभी लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।